हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीओई कॉलेजेस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लेके आया हूं आपके लिए हमारा ज्योग्राफी ऑफ बिहार सीरीज, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स है हमारे एक्चुअल क्लासरूम का, जो हमने ऑनलाइन पढ़ाया था, जिस बैच के कुछ बच्चे बीपीएससी में सेलेक्ट भी हुए। तो अब क्योंकि वो पुराना बैच आगे बढ़ चुका है, तो हमने तय किया कि हम इन वीडियोज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके जिन्होंने हमारे कोर्स को नहीं भी लिया था। तो आप इन वीडियोज़ को पूरा देखिए, समझिए, लोगों से शेयर जरूर करिए, और आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं जहां पे ज्योग्राफी ऑफ बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स आने वाला है, उसके लिए आप इन वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो ई बुक है, जो कि पीडीएफ है डाउनलोडेबल, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास स्टडी मटेरियल भी हो जाएगा और ये वीडियोज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बट ध्यान रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज एक लाइक बटन जरूर प्रेस करिए और कुछ कमेंट जरूर छोड़िए, ताकि हमारा आउटरीच बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। तो आइए सीखते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार। अब फ्लड एंड ड्रॉट को जब भी करना हो आपको, तो सबसे पहले क्या करना, रिवर मैप को रेडी कर लेना। बिहार का रिवर वाला जो मैप था, पिछले लेक्चर में भी मैंने दिया था, तो बेसिक रिवर एरियाज जो है, खास करके कहां से आने वाले रिवर, हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है ना। जो सोन रिवर आ रहा है यहाँ से, ठीक है, उसकी बात नहीं है यहाँ, ठीक है, उसमें बहुत कम लेवल है फ्लडिंग का। लेकिन जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, इधर से जो सिस्टम आ रहा है नेपाल से, राइट, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज है। तो आप देख लो, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, राइट। 2019 का जो डेटा है, फ्लड कॉर्पोरेशन का डेटा, ये कहता है कि ये जो 13 डिस्ट्रिक्ट है, ये बुरी तरह से हर साल प्रभावित होते हैं। सो देख लो इसको, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, वेस्ट चंपारण। तो दिस इज योर मैप, फ्लड मैप ऑफ बिहार, मेजर एरियाज, और ये पेरिनियल फ्लड्स हैं, हर साल है, राइट। फैक्टर्स को देख लें, फैक्टर्स में देखेंगे तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि तराई रीजन में अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया तुम्हारा ऊपर, तो हिमालयन रिवर सब आने वाला है वहां से, अपर कैचमेंट एरिया में से इन्फिल्ट्रेट करने वाला है, वो हो रहा है, मैग्नीट्यूड हाई हो रहा है। जितना ज्यादा नेपाल और चंपारण और ऊपर वाले बेल्ट में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसका असर सीधे सीधे लोअर कैचमेंट में पड़ता है। इसी को अगर हम ऐसे बात करें, क्या बोलते हैं, हाईलैंड लोलैंड इंटरैक्शन, एनी लिखो, लिख लो, लिखना, हाईलैंड लोलैंड इंटरैक्शन बड़ा मैटर करता है बिहार के फ्लड के लिए। नेपाल बोलते हैं ना, पानी छोड़ देता है तो इधर पूरा बाढ़ आ जाता है, ये पानी छोड़ने वाली बात क्या है, नेपाल संभाल नहीं पाएगा अगर वहां एक्सेसिव रन ऑफ होगा, तो ऑब्वियसली वो पानी छोड़ेगा, सारा कैचमेंट डाउन स्ट्रीम में हमको प्रॉब्लम होता है बिहार में। सारे हिमालयन रिवर के सोर्सेज हैं, यानी पेरिनियल सोर्स हैं, सालों भर पानी तो होता ही है, मॉनसून सीजन में तो और ज्यादा हो जाता है, फ्लड आ जाता है। तो ये जो कॉमनैलिटी है, ये बहुत ये प्रॉब्लम है। तो अपर कैचमेंट में अगर कुछ हो रहा है, क्या बोला मैंने, हाईलैंड लोलैंड इंटरैक्शन, तो हाईलैंड में अगर चैलेंजेस हैं तो उसको सही करना पड़ेगा, ये बड़ा एक है फैक्टर, राइट। फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग्स, पेवमेंट्स, कोर्टयार्ड्स, ये इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर को हैम्पर कर रहा है, वो होता नहीं है, सरफेस वाटर रन ऑफ ज्यादा है, और इंक्रीज ऑफ अर्बनाइजेशन, इसकी बात अगर मैं करूं तो हमने पूरे टाइम यही बात की है पूरे ज्योग्राफी में, राइट। और रिसेंट एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं, तो पटना फ्लड्स का एग्जाम्पल अच्छे से दे लेना, ठीक है ना। पटना फ्लड से अच्छा एग्जाम्पल देने के लिए नहीं होगा अभी कि क्या हुआ पटना फ्लड्स में, तो इंटायर पटना सिटी गॉट फ्लडेड टू दैट लेवल, नेवर एवर इन द हिस्ट्री वैसा बात करते, तो बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन फैक्टर। तो ये सारे चीजें तो आप बता ही सकते हो, अर्बन फ्लड्स की बात करोगे, ठीक है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, बर्स्टिंग ऑफ क्लाउड्स, ये सब एक्सट्रीम इवेंट, शिफ्टिंग ऑफ रिवर चैनल, कोसी का बात करते हैं हम लोग, ये सब कॉमन फैक्टर्स हैं, चोकिंग ऑफ ड्रेन्स, नालाज, नथिंग न्यू इन दिस, कॉमन फैक्टर्स। तो आते हैं कि भाई प्रॉब्लम तो है बिहार का पेरिनियल फ्लड्स, तो स्टेप क्या है कंट्रोल करने का, तो सबसे पहले जहां प्रॉब्लम है वही वही काम करना है। प्रॉब्लम था अपर कैचमेंट में, तो वहां एफोरेस्टेशन करवाओ। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लोगे इंटरनेशनल ट्रीटीज का, तो अगर आपको पता हो बिहार के साथ, इंडिया के साथ नेपाल का ट्रीटी के बारे में जिक्र आता है, तो कौन सा आता है ट्रीटी, एक भी ट्रीटी का नाम बताओ। मंजेश, सर, एक ट्रीटी है, उसका एग्जैक्ट नंबर भी नहीं याद। उसके तहत इंडिया और नेपाल के लोग मूवमेंट कर सकते हैं बिना पासपोर्ट और वीजा का। नहीं वो नहीं, वाटर शेयरिंग ट्रीटी की बात कर रहा हूँ, देखो ना महाकाली प्रोजेक्ट, देखो, सर, चेक करो, ये ठीक सर एक है, ट्रीटी है सर, बूढ़ी गंडक पे है सर। बूढ़ी गंडक पे भी है, तो इसलिए कह रहा हूँ, ये ट्रीटीज का नाम जो है ना ऐसे आंसर्स में लिखना, ठीक है ना, इंडो नेपाल वाटर शेयरिंग ट्रीटी पे थोड़ा सा पढ़ लेना,
ऑल दो ज्योग्राफी के सिलेबस में लिखा नहीं है, मैं बस तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि जब सोल्यूशन दोगे ना तो वो जिक्र करते हुए देना कि वाटर ट्रीटी, वाटर शेयरिंग बड़ा मैटर करता है ना, कि कितना पानी छोड़ा जाएगा, कितना क्यूसेक वाटर छोड़ेंगे तो यहाँ कितना फ्लड आएगा, मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, फ्लड मैनेजमेंट में। काम तो तुम्हें करना है ऑफिसर बन के बिहार में। मेरे पिताजी जब ऑफिसर थे तो फ्लड मैनेजमेंट सीखा था मैंने उनसे थोड़ा थोड़ा, कि बड़ा मैटर करता है कितने क्यूसेक पानी वहां छोड़ेंगे तो यहाँ कितना बढ़ेगा, फिर कितना रिलीफ देना है, क्या करना है, इवैक्यूएशन प्लान्स कैसे बनाने हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है ये सब। बट मैं अभी नहीं कह रहा हूँ पूरा सर डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा नहीं लिखना है। जब आप आंसर लिख रहे हो ना, जब बात करो अपर कैचमेंट और ये लोअर कैचमेंट की बात की, तो थोड़ा सा जिक्र कर सकते हो कि आपको सोल्यूशन देना है तो ट्रीटीज भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, नेपाल के साथ काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ये मैटर करता है बहुत। ठीक है मंजेश, कुछ कह रहे थे? यस सर, एक वाल्मीकि नगर रिजर्व में सर एक ये डैम है सर, उसको हाँ वाटर को हाँ लेकर 2 साल पहले इशू हुआ था, राइट राइट, तो इसीलिए ये उसपे जो बातें भी अभी कटान है। बातें अभी चर्चे में है, रही है पीछे, तो इसीलिए कोशिश करना उसका माइलेज लेना है अपने आंसर, ठीक है ना, बाकी बातें वही है, कॉमन चीजें हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, फिर बात होती है सेडिमेंट लोड को ठीक करना होता है, ठीक है, जब रिवर में सिल्टिंग ज्यादा हो रही है कोसी में, तो सिल्ट का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो लिखना सिल्ट मैनेजमेंट, और इसका एग्जाम्पल है कोसी सिल्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें क्या किया गया, वहां से सिल्ट को हटा के अदर लो लाइंग एरिया, डिप्रेशन बड़े हैं, मार्शी एरिया बहुत है, उसको फिल करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, ब्रिक्स बनाने के लिए यूज करते हैं, लैंडफिल साइट्स बनाते हैं प्रॉपर, राइट, कुछ मेडिसिनल हॉर्टिकल्चर के लिए वो सिल्ट काम आता है, तो कोसी सिल्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, तो सिल्टेशन को ठीक करना, ठीक। उसके बाद फ्लड अफेक्टेड एरियाज में कहते हैं कि मैंग्रोव प्लांटेशन भी कर सकते हो आप थोड़े से स्पीसीज, जिससे वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए, पानी सोखने वाले प्लांट्स लगाओ, राइट, उस तरीके से कुछ कुछ चीजें, और फ्लड वाटर को जो है चैनलाइज करना और लिंक करना, कैसे करोगे, तो डाइक्स, वॉल, स्टोन्स पर ऐसे बना के थोड़ा सा आर्टिफिशियल चैनलाइजेशन करके उसका जो वाइड स्प्रेड है उसको ठीक करना, ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें हैं, और इसमें सरकारी रोल भी आता है, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, थोड़ा सा आप देखोगे ना गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो मॉडर्न रेस्क्यू ऑपरेशन तो किया ही है, सबसे पहले फ्लड प्रोन एरिया में 10 मोटर बोट्स अलॉट हुआ, एनडीआरएफ का टीम के लिए, डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए ट्रेनिंग किया गया, होम गार्ड्स के लिए, है ना, बहुत सारे फ्लड शेल्टर्स बना दिए हैं ऑलरेडी बिहार में, खास करके देखेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म्स के आसपास बहुत सारे फ्लड शेल्टर्स होंगे, हाइट पे होता है तो, राइट, ये कॉमन चीजें हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन, फर्स्ट एड, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब तो ठीक है, बट इसके साथ साथ जो ध्यान है सिल्टेशन और बाकी चीजों, है ना, वो बड़ा मैटर करता है, ये वो ध्यान देना है, ठीक है, सर और ये इसमें एक जो जिक्र है, हाँ बताओ मंजेश। रिसेंटली सर फरक्का का इशू चल रहा है सर, हर बार क्लेम किया था फरक्का डैम पे जो सिल्टेशन होता है गंगा में और फ्लड उसका कारण बिहार में आता है, उसको जिक्र कर हाँ सकते हैं। हाँ तो ये भी बात आप लिख सकते हो, जहां पे इंटरलिंकेजेस की बात है, बिटवीन स्टेट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स की जो बात है, ठीक है ना, ये चीजें हैं जो इसमें जिक्र होने की जरूरत है, ठीक है, और इसमें हम लोग एक और चीज जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं ना, जो हमारा वाटर प्रोजेक्ट्स पढ़ा था हमने, कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट रूट वाला, समझ में आ रहा है, वो फरक्का से हल्दिया से जो ये क्या इलाहाबाद वाला प्रोजेक्ट जो है, नेशनल वाटरवे की बात करते हैं, तो नेशनल वाटरवे अगर ठीक हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी उसके साथ, क्योंकि उसमें सिल्टेशन को ठीक करने की बात भी है। यस मौसम, सर कोसी मेची लिंक कैनाल भी तो इसमें डाल सकते कोसी में क्या? कोसी मेची लिंक कैनाल। हाँ, अभी तो मैं उस पर आ ही रहा था, यही तो है स्लाइड, अगला देखो ना, यही बात कर रहा था, ये पहला वही बताया मैंने, कोसी में मेची लिंक जो है ना, आप इसको जो ये बात करो, ये वाला जो है, ये वाला एरिया, तो आप पूरा इंडिया का मैप तो नहीं बनाओगे, बट थोड़ा एक आइडिया दे सकते हो कि इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, इंटरलिंकेजेस की बात इतनी सारी है, ठीक है, तो इन सारी इंटरलिंकेजेस में से हम जितनी भी इंटरलिंकेजेस की जो प्रोजेक्ट्स हैं, 14 इंटरलिंकेजेस की प्रोजेक्ट है इंडिया भर में, नॉर्थ इंडिया में खास करके, इसमें से 5 से 6 जो है वो बिहार से रिलेटेड है, तो कोसी मेची लिंक तो है ही, कोसी घाघरा लिंक भी है, सोन डैम का जो प्रोजेक्ट है गंगा के साथ, उधर चुनार का प्रोजेक्ट है सोन बराज के साथ, ब्रह्मपुत्रा गंगा मानस संकोच तीस्ता वाला जो लिंक है वो भी मैटर करेगा, और गंडक और गंगा का किनार लिंकेज, इतनी सारी है, सिर्फ एक नहीं है, तो इसका जिक्र करना मैप पे, यही बात मैं कह रहा था, तो ये नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो NWDA है ना, उसका जो 30 मेजर प्रोजेक्ट्स है उसमें से 6 जो है वो बिहार के रिलेटेड दिखता है, ठीक है ना, तो ये चीज लिखना है कि 30 प्रोजेक्ट्स ऑफ NWDA में से 6 इज रिलेटेड टू बिहार, तो इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर, शब्द क्या लिखोगे, ये लिखना है कि इंटर बेसिन वाटर ट्रांसपोर्ट ट्रांसफर को क्या करना है, रेगुलेट करना है, बेटर करना है, ये एक मेथड होगा, सॉल्यूशन होगा,
समझ में आ रहा है, इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर की बात करनी है, ये प्रोजेक्ट्स को साइट करके और एजेंसी को साइट कर, इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर की बात हमें करनी है आंसर में याद से, एज वन ऑफ दी मेजर सॉल्यूशंस। एनडब्ल्यूडीए का जिक्र करना है, मैप पे थोड़ा दिखाना है ब्रॉडली इंडिया पे ये वाला रोल, ये वाला जो एरिया है, घाघरा इधर, कोसी मेची प्रोजेक्ट इधर, गंगा के साथ कनेक्शन थोड़ा है ना, ये बातों को जरूर जिक्र करना है। अब आता है दूसरा इसका जो भाई बंधु है ड्रॉट, राइट, फ्लड का जो दूसरा एस्पेक्ट है, इधर चल रहा था फ्लड, तो दूसरा पार्ट क्या है बिहार का, गंगा के जो साउथ में है, इधर जो है वो कुछ एक्सट्रीम ड्रॉट एरियाज है, कुछ थोड़ा इंटरमिटेंट है ड्रॉट एरियाज, फ्रॉम ऑलमोस्ट वेस्ट टू ईस्ट, ये पूरा एरिया में आप देखेंगे कुछ सीवियरली ड्रॉट वाले एरियाज हैं, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा ये जो एरिया है इधर शेखपुरा से लेके इधर नवादा है, जमुई है, मुंगेर वाला बेल्ट है, इधर थोड़ा सा आप देखो पोर्शन, राइट, इधर बांका वाला बेल्ट है, इधर आ जाओ रोहतास वाला, बक्सर भोजपुर में भी और कैमूर में भी भभुआ वाला एरिया में दिखता है बहुत जगह पे, बहुत बार थोड़ा थोड़ा इफेक्ट ऑफ ड्रॉट जिस बार बारिश नहीं हो ढंग से, तो ये कॉमन है। तो ये सबसे बड़ा है कि रेनफॉल पैटर्न हमारा जो है मानसून डिपेंडेंसी वो ड्रॉट का एक मेजर रीजन है, यहाँ पे 85% ऑफ ड्रॉट जो है वो इसी कारण से होता है कि बारिश इस एरिया में थोड़ी कम हुई, ठीक। इधर की तरफ पेरिनियल सिस्टम तो है नहीं, गंगा का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, देखना ये बात कहना, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी डोमिनेट करता है बिहार में गंगा का, और वो सारा लेके पानी चला जाता है बंगाल की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो पानी से कोई मतलब नहीं है, इधर जो है वो छोटे चंद सोन के अलावा बस स्मॉल स्ट्रीम्स ही हैं, ठीक, कुछ और रिवर है इधर फल्गु है और बाकी कुछ कुछ है, बट अदरवाइज अगर आप देखो तो इधर बहुत बड़ा मेजर कोई रिवर है नहीं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ दो ही तीन ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं इधर जिसमें थोड़ा सा केनाल इरिगेशन कभी कभी काम आ जाता है, बेटर है सिस्टम, तो आप देखोगे कहाँ पे कैमूर में, बांका में, लखीसराय में कुछ एरियाज में किया गया है केनाल इरिगेशन सिस्टम, लेकिन बाकी में कोई प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम भी नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, वही बताता है कि अबाउट लेस देन 50% ऑफ फार्म लैंड आर इरिगेटेड, ऑफ विच 63% कम फ्रॉम ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल इरिगेशन वाला एरिया हो गया इधर, ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाने की बात है। फिर इधर क्या हुआ है ऑफ लेट, पॉन्ड और जो वेल्स वाला चीजें होती थी, टैंक पॉन्ड ये वाला चीज, ये डिक्रीज हो गया है ट्रिमेंडसली विद कमिंग मॉडर्नाइजेशन। अब वो जमाना चला गया कि लोग पानी के लिए कुएं खोदें और पोखर तालाब को ठीक रखें, और उसमें भी जो रिसोर्सेस बचे हुए हैं वो पोल्यूटेड हो गए, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, प्रेशर बढ़ा है पॉपुलेशन का, तो अगर वो सोर्स घटेगा तो वो भी पानी का सोर्स आपका चला गया, एक आपका इरिगेशन सोर्स या कह लो एक जो वाटर रिजर्वायर था वो खत्म हो रहा है बहुत जगह पे, वो आउटडेटेड हो गया है। और फॉरेस्ट एरिया डिक्लाइन अगर देखें आप, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को देखें, तो बिहार में जो 7.76 फॉरेस्ट एरिया है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो अगर फॉरेस्ट कम होगा, ग्रीन कवर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली चीजें बदलेंगी, रेनफॉल पैटर्न चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज का असर पड़ेगा ही, माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस भी होंगे, तो ये सब बातें हैं। और इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा ड्रॉट का कि क्रॉप फेलियर कॉमन होगा, ऑलरेडी पुअर स्टेट है, ऑलरेडी उसका इकोनॉमिक कंडीशन और खराब हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की हालत आप जानते ही हैं, मोस्ट ऑफ देम यू नो कमिंग फ्रॉम बिहार आर माइग्रेंट्स आउटसाइड, है ना, अलाइड सेक्टर में बिहार में काम करते हैं एग्रीकल्चर में ही, वहां एग्रीकल्चर फ्लॉप हुआ तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, माइग्रेशन के लिए तो बात कहने की है ही नहीं। वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट कि 1970s से देखोगे जैसे रेलवे तरक्की हुआ है ना बिहार में, वैसे माइग्रेशन बढ़ा है बिहार में, एक ऐसा भी स्टडी देखा था मैंने एक जगह, कैसे कैसे ट्रेन चलाए गए हैं, लास्ट में तो गरीब रथ चलाया गया, ठीक है ना, गौर कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, रेलवे के साथ जोड़ के देखो, एक टाइम था कि जनता एक्सप्रेस चलाई गई थी, उसके अलावा कुछ ऐसे बहुत सारे ट्रेन चलाई गई जो पंजाब और बिहार को कनेक्ट करते थे, आप अगर रेलवे को पढ़ोगे ना थोड़ा सा तो नजर आ जाएगा कि रेलवे जो है वो लेबर ट्रेन चला रही थी बिहार से और बंगाल से टुवर्ड्स पंजाब एंड हरियाणा एंड दिल्ली एनसीआर। So this is the situation. Most of us be have become migratory in last 50 years because of these things. ठीक है ना, सिर्फ फ्लड और ड्रॉट दोनों की वजह से डिक्लाइन इन स्टेट इकोनॉमी, ऑब्वियस सी बात है, जीडीपी में शेयर जो है एग्रीकल्चर खराब होगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का तो हर कुछ पार्ट है, यू नो ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, और फ्लड एंड ड्रॉट उसमें मेजर आता है, ग्राउंड वाटर टेबल खराब हो रहा है, मतलब बिलीव करो पटना जैसे जगह पे और बाकी एरियाज में आप वाटर टेबल कितना नीचे चला गया है, 200-300 फीट पे भी पानी नहीं अवेलेबल है जबकि गंगा का कैचमेंट एरिया है। तो द आइडिया इज कि इतना ज्यादा सीवियरिटी कैसे, मतलब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बेस बढ़ रहा है और फ्रेश वाटर निकाल रहे हैं हम हर चीज के लिए, तो क्या हो रहा है, प्रेशर इतना हो गया है पॉपुलेशन का
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ा है, सोर्सेस आपके पास लिमिटेड है, और इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया है एंड दैट्स लीडिंग टू द प्रॉब्लम। तो सिवियरिटी बढ़ गया है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत प्रॉब्लम है। तो कुछ सोल्यूशन की बात कर लेते हैं लास्ट में थोड़ा, कि पोटेंशियल सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। तो एक तो है कि छोटे छोटे चेक डैम्स बनाओ, ठीक है, तो वो बड़ा जरूरी है कि फ्लड कंट्रोल भी हो जाएगा, इरिगेशन वही भी मिल जाएगा, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगा, और इस पे बिहार ने काम किया भी है। कुछ लिफ्ट इरिगेशन कैनाल्स की बात करते हैं, जैसे कहीं पे आप देखेंगे बहुत जगह पे छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में, या कहीं पे आप देखेंगे कर्नाटका वगैरह में भी किया गया था, तेलंगाना में किया गया था, वही लिफ्ट इरिगेशन बिहार में किया गया है। देखो ये वेस्टर्न कोसी मेन कैनाल जो है ये ऊपर से जा रहा है, और नीचे से आप देखोगे ये कमला रिवर है, ठीक है। ये मैं इसलिए डाला फोटो क्योंकि मैं जहां से आता हूँ ये वही किया गया है, मेरे सामने ये प्रोजेक्ट बना है, इट्स जस्ट नियर टू मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ये होता है। तो आप देखोगे ये कमला नीचे से और कोसी ऊपर से है, ये लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम कैनाल का किया गया है, फ्लड मैनेजमेंट से लेके इलेक्ट्रिसिटी। जिन गांव में पहले 4 घंटे 5 घंटे बिजली नहीं आती थी, अब वहां 24 घंटे बिजली आती है इसके कैचमेंट। तो ये कुछ चेंजेस आया है, डेफिनेटली पॉजिटिव है बहुत सारा। तो ये ओवरऑल करने की जरूरत है, ये वेस्टर्न कोसी मेन कनाल जो है, ये प्रोजेक्ट देखेंगे आप तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो इसमें आप तेलंगाना से हमने लिया, ये कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट है, उससे हमने रेफरेंस लेके बिहार में ये काम किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप देखेंगे तो, राइट। उसके अलावा वापस से थोड़ा सा कहते हैं ना गो बैक टू बेसिक्स, राइट। तो हमको गो बैक टू बेसिक्स करना पड़ेगा, यानी हमारे जो पॉन्ड्स हैं, जो टैंक्स हैं, जो लेक्स हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा, और वो तभी होगा। कैसे होगा? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में क्या पढ़ा, कैसे होगा? दो तरीके होते हैं, लिख लेना इसको अपने उसमें। क्या? एक कमांड अप्रोच होता है। कमांड अप्रोच मतलब साहब बोलेंगे, बीडीओ साहब, सीओ साहब, तो कुछ बनेगा, कमांड आएगा तो गांव में काम होगा, ठीक। उसको योजना के साथ जोड़ दिया जाएगा तो उसमें लोगों को नौकरी भी मिलेगी टेम्पररी। एक तो कमांड एरिया अप्रोच है, कमांड एरिया प्रोग्राम्स है ना, हिल एरिया, ट्राइबल एरिया, फ्लड एरिया, वो वाला 1970 से। और दूसरा अप्रोच क्या है, लिख लो, पार्टिसिपेटरी अप्रोच। टू अप्रोचेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मैनेजमेंट, ठीक। तो पार्टिसिपेटरी अप्रोच भी दूसरा अप्रोच है, कम्युनिटीज को तैयार करिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कीजिए। कैसे होम गार्ड्स को ट्रेन किया डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एनडीआरएफ टीम, समझ में आ रहा है? तो वो वाला पार्ट है दूसरा पार्ट, कि मैनेजमेंट के लिए पार्टिसिपेटरी अप्रोच भी अपनाने की जरूरत है, तब जाके आप कर पाएंगे और वल्नरेबिलिटी को थोड़ा कम हो पाएगा, मतलब लाइवलीहुड लोगों को अल्टरनेटिव रहेगा, खाली मछली पालने से तो काम नहीं चलेगा, तो एक अल्टरनेटिव है मछली पालना, और भी चीजें कमर्शलाइजेशन के लिए की जा सकती है, मखाना की खेती है और सारी बातें हैं। तो ये इनकरेज होगा लोगों को, एग्रीकल्चर का लॉस हो गया तो आपको दूसरा इनकम भी रहेगा साथ में, ठीक है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आपको अब जैसे तमिलनाडु ने किया वैसे बिहार को भी सोचना पड़ेगा कि आप इसको मैंडेटरी करिए, कम से कम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में करिए, न्यू बिल्डिंग्स में करिए, और इस पे अवेयरनेस करिए, क्योंकि बिहार जैसा स्टेट जो कि पूरा पूरा ड्रेन्ड बाय नेचुरल रिवर है, वहां पे वाटर टेबल नीचे जा रहा है। कितना बड़ा ये आयरनी है सोच के देखो, कि हमारे बिहार वाले, बिहार में वाटर टेबल नहीं है, नीचे चला गया, जहां पे इतनी नदियां हैं, लोग ऊपर सरफेस। तो इसका क्या देखा प्रॉब्लम, सरफेस रन ऑफ बहुत ज्यादा है, नीचे पानी जा नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? पानी तो आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, आपका वाटर टेबल खत्म, और वाटर टेबल से आप सारा पानी निकाल रहे हैं, प्रेशर तो बढ़ ही रहा है, डिमांड बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो ये जो ड्यूअल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। कुछ अदर सोल्यूशन भी जो इसमें लिस्टेड है, अब कुछ ट्रेडिशनल रेन वाटर सिस्टम, रिवर, नाला, टैंक, पॉन्ड को ठीक करना है मानसून से पहले, राइट। और लाइफ स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग पे भी ध्यान देना है, ताकि आप रिड्यूस कर सकें स्ट्रेस एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेस करवाओ उन एरियाज में जो साउथ बिहार के पोर्शंस हैं, जहां पे ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, बारिश कम होती है, तो ड्राई फार्मिंग की बात लेके आए वहां पे। तो ये सब कुछ कुछ स्टेप्स हैं जो करने की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये जो ओवरऑल सिनेरियो है, इसमें आप कोशिश वही करिएगा जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पढ़ा, और जो कॉन्सेप्ट एंड थियरीज पढ़ा ह्यूमन ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में, सबको जोड़ के थोड़ा एक अच्छा सा आंसर लिखने का कोशिश करना। तो अगर आप इस वीडियो के अंत तक देख रहे हैं, आप यहाँ तक बने हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन सो दैट हमारा चैनल का आउटरीच बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, ज्योग्राफी ऑफ बिहार में।